कि इसके पहले अरुणाचल प्रदेश में भी जो जेडीयू के एमएलए थे उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया, और कल मणिपुर में 5 जो उनके एमएलए थे वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो एक बचे मुझे लगता है वो भी आज न कल कर ही लेंगे। तो अब अरुणाचल जदयू मुक्त हो गया और मणिपुर भी जदयू मुक्त हो गया है, अब बहुत जल्द बिहार में भी लालू यादव जनता दल यू को तोड़ देंगे और बिहार को भी जनता दल यू से मुक्त कर देंगे। देखिए, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं ललन जी कि पैसा देकर खरीदा गया, तो आपके विधायक इतने कमज़ोर हैं क्या कि पैसा देकर खरीदे गए? आपने कैसे लोगों को टिकट दिया? लेकिन ये सब देखिए बेबुनियाद गलत है, हम क्यों खरीदेंगे पैसा देकर? लेकिन वहाँ बीजेपी की सरकार, वो चाहते थे कि जनता दल यू एनडीए में रहे, और आपने एनडीए से नाता तोड़ दिया, तो स्वाभाविक था कि वो कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, आरजेडी वहाँ पर है नहीं, तो उनके लिए बहुत नेचुरल था कि वो बीजेपी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो आपने बिहार का जो गठबंधन तोड़ा ये उसका परिणाम है, और आपका जो सपना था नेशनल पार्टी बनने का, तो 3 राज्यों में आप स्टेट पार्टी थे, अब के लिए बिहार में रह गए, 2 राज्यों में स्टेट पार्टी का सपना ख़त्म हो गया, तब तो जनता दल यू नेशनल पार्टी बनी नहीं सकती है। तो आपने जो बिहार में गठबंधन तोड़ा उसका रिएक्शन है, उसकी प्रतिक्रिया है कि जो अन्य राज्यों में जो जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं एमएलएज हैं, वो नहीं चाहते हैं कि एनडीए से बाहर जाएं, वो एनडीए में रहना चाहती, इसलिए उन लोगों ने और बीजेपी को वहाँ ज्वाइन किया है। तो मैंने कहा कि भाई बिहार के बारे में वो कहते थे कि बीजेपी तोड़ना चाह रही है, तो एक भी तो कोई प्रमाण देना कि बिहार में जनता दल यू को कौन तोड़ रहा था, किसने तोड़ने का प्रयास किया, कौन गया था किसके पास। तो केवल बयानबाजी करना, उसने बीजेपी क्यों तोड़ेगी किसी पार्टी को, हमको क्या जरूरत है, चाहे अरुणाचल हो या मणिपुर हो। लेकिन अगर कोई आना चाहता है तो हम कैसे रोक सकते हैं? आप में ताकत नहीं उनको रोकने की, आपकी पूरी की पूरी पार्टी सारे के सारे एमएलए आ गए, आप रोक लेते। तो ये सब कि पैसा देकर खरीद लिया गया, तो क्या आपके एमएलए बिकाऊ हैं, क्या आपके एमएलए जो हैं इतने लालची हैं? और हम क्यों खरीदेंगे, हमारे पास बहुमत, हमको क्या आवश्यकता है? लेकिन आपने गठबंधन तोड़ा, इसके रिएक्शन में जनता दल यू के विधायक जो हैं वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए। पोस्टर लगाने से और होर्डिंग लगाने से ही तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है, वो तो 50,000 रुपया 1,00,000 रुपया खर्चा कीजिए होर्डिंग लग जाएगा, किसी कवि को 10,000 रुपया दीजिए तुकबंदी करके आपके पक्ष में कविता बना देंगे, तो इससे कोई थोड़ी बन जाता है प्रधानमंत्री। और देखिए, प्रधानमंत्री तो वही ना बनेगा जिसके पास 250 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन होगा। अगर उसकी पार्टी के पास 10 MP होंगे, 5 MP होंगे, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, और बनेगा तो सरकार चलेगी कैसे? तो देखिए, केवल नीतीश जी को लगता है कि मैं चर्चा में रहूं, उनकी और कोई मंशा नहीं है, उनको भी मालूम है कि वो प्रधानमंत्री तो दूर की बात उम्मीदवार भी नहीं बन सकते। लेकिन गठबंधन तोड़ दिया तो आज जो नेशनल चर्चा में आ गए, अखबार छप रहे हैं, पहले उनका छपता नहीं था, मीडिया में आ रहा है, चर्चा हो रही है, तो केवल नेशनल मीडिया में चर्चा में बने रहने के लिए उन्होंने ये गठबंधन तोड़ा है। उनको भी मालूम है कि इस जन्म में तो कम से कम वो PM नहीं बनेंगे।